ज्ञानानंद महाराज आज मुरादाबाद के MIT कॉलेज पहुंचे, जहां पर ट्रस्टी द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। MIT कॉलेज का ये कहना है कि महाराज द्वारा दिए गए ज्ञानों से विद्यार्थियों को जरूर फायदा पहुंच रहा है। MIT संस्थान में गीता मनीष पूज्य स्वामी श्री ज्ञानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में उनके द्वारा श्रीमद् भागवत गीता विचार गोष्ठी का सफलतापूर्वक एवं भव्य आयोजन किया गया। संस्थान के चेयरमैन सुधीर गुप्ता एवं वाइस चेयरमैन YP गुप्ता के द्वारा किए गए प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने का सही उद्देश्य क्या है? श्री ज्ञानंद जी महाराज ने बताया कि वर्तमान एवं भविष्य में तकनीकी द्वारा या मनुष्य की दिनचर्या द्वारा जिस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं एवं आने वाले समय में ये समस्या और भी गंभीर होती नजर आ रही है, उसका जनमानस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और अगर हम वैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो इन समस्याओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है, और वह है श्रीमद् भागवत गीता। अगर मनुष्य, छात्र एवं छात्राएं श्रीमद् भागवत गीता के उद्देश्य को सही ढंग से समझेंगे और उसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो यकीन मानिए इन सभी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से हो जाएगा और जीवन एक सुंदर दृष्टि के साथ, अच्छी मान भावना के साथ और एक अच्छी मानवता के साथ व्यतीत होने लगेगा। इसी क्रम में श्री ज्ञानंद जी महाराज जी ने अपनी एक वाणी का वर्णन करते हुए कहा कि वो किसी जगह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ किसी जनमानस ने महाराज जी से प्रश्न किया कि जीवन को सरलता एवं मधुरता पूर्वक जीने का कोई फार्मूला बताइए। तब उसी समय भगवान की कृपा से उनकी मधुर वाणी से एक शब्द प्रकट हुआ जिसका नाम था IISSCC, और ये एक फार्मूला बन गया। ये फार्मूला छात्रों के जीवन में बहुत ही अमूल चूक परिवर्तन लाने वाला है। तो ये फार्मूला अपने आप में एक एप्लीकेशन है। IIS बच्चों को सबसे पहली बात ये इम्पोर्टेंस बढ़ानी होगी कि पढ़ाई का आज के जीवन में अच्छे कैरियर की दृष्टि से कितना बड़ा महत्व है। ये एक बहुत क्लियर फैक्ट है, साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल फैक्ट है कि जब जिस चीज़ का महत्व मन समझ लेगा, मान लेगा, उसमें उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली उसमें उसकी रुचि बनेगी। तो जब इंटरेस्ट बनेगा तो ही आगे उसके लिए एफर्ट्स होंगे। बहुत स्पष्ट बात है, जब तक इंटरेस्ट नहीं मेरा किसी विषय में मैं उसके लिए एफर्ट क्यों करूँगा। तो इंटरेस्ट बने और उसके अनुसार सीरियसली सिंसियरली एफर्ट्स हों, लेकिन कोई भी एफर्ट पूरा नहीं होता जब तक उसके साथ CC अर्थात कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्फिडेंस नहीं होगी। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं, जब जिस समय जहाँ है उस समय अपने उस कर्तव्य पर अपने को कॉन्सेंट्रेट करें। मैं पढ़ रहा हूँ तो उस समय मेरा ध्यान मोबाइल की ओर नहीं जाना चाहिए, उस समय मेरा ध्यान पढ़ाई। गोष्ठी में MIT संस्थान के चेयरमैन सुधीर गुप्ता, वाइस चेयरमैन YP गुप्ता, ट्रस्टी अनिल अग्रवाल, मणि प्रसाद मिश्रा, पूर्व गृह सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय संयोजक जियो गीता एडवोकेट दिवेश वशिष्ठ एवं संस्थान के सभी शिक्षक, छात्र एवं छात्राएं गोष्ठी में उपस्थित रहे। आज हमारे MIT के अंदर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आए थे, जो हरियाणा से आए हैं, और उन्होंने यहाँ पर गीता को हम आज के जीवन में किस प्रकार उतार सकते हैं, किस प्रकार से गीता के अनुसार अपने जीवन को हम और अच्छा बना सकते हैं, इस बारे में बहुत अच्छी प्रकार से बात बताई थी। उसके साथ उन्होंने ये भी बताया था कि हम किस प्रकार से हिंदू धर्म का उत्थान के लिए क्या कार्य कर सकते हैं, और हमको एकजुट होना चाहिए और हर प्रकार से अपने बालकों को भी समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, और जिससे कि हम, क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपने बच्चों को, अपने युवा वर्ग को बता सकें।